Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, शो ट्यून करना बिल्कुल ही भूलिए. रोज मैं एक ही तरह का इंट्रो देती हूँ, रोज मैं आपसे हाल पूछती हूँ और आप हमें हाल बताती नहीं है. तो मुझे पता होना चाहिए. मैं अब ये भी एक सिस्टम होना चाहिए कि इंट्रो में भी हम कॉल लेकर ना आपसे हम हाल पूछेंगे. जैसे ना आज चूंकि मंडे है, बहुत सारा मंडे को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता सुबह सुबह उठने का. ऑफिस आने का दिल कर रहा होता है लेकिन उस दिन दिल ये कर रहा होता है कि थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाएँ, थोड़ा लेट हो जाएँ, तो फिर आपका मंडे का होता है ना छुट्टी मनाने के बाद. लेकिन बहुत सारे लोग जो जिनकी रूटीन सेट हुई होती है ना सुबह सुबह उठने की, आप रात को डिसाइड करके सोते हैं कि आपने सुबह लेट उठना है, लेकिन जैसे ही 8 बजते या 6 बजते हैं आपकी आँख फल से खुल जाती है और आप संडे भी आपका उसी रूटीन में गुजर जाता है. लेकिन जनाब संडे है या मंडे है, हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. और इन्फॉर्मेशन क्या है जनाब, आज दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है. नमूनिया दरअसल फेफड़ों में इन्फेक्शन को कहा जाता है और इसकी इब्तदाई जो अलामत होती हैं वो नज़ला और ज़ुकाम वगैरह होती है. इसके अलावा हमारे पास आज डॉक्टर होंगे जो हमें डिटेल बताएंगे कि बेसिकली नमूनिया है क्या, किन एज के जो लोगों को ये होता है, इसमें अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, क्या इसके अच्छा पाकिस्तान की बात की जाए तो हर साल नमूनिया के बायस 70,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं मौत के मुँह में चले जाते हैं. और बहुत चीज स्टैटिस्टिक्स जो हम कह लें एक इसका एस्टिमेटेड होते हैं एग्जैक्टली जो भी हमारे पास होंगे वो हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे. अगर जिन लोगों में मर्ज में मुबतला जैसे दमा है, डायबिटीज़ है या दिल की कोई बीमारियां, अगर उन्हें नमूनिया हो जाए तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत बढ़ जाती है. बच्चों को वैक्सीनेशन भी दी जाती है इसके हवाले से, लेकिन इस पर कंट्रोल, इसकी जो सिम्टम्स हैं और किस वजह से होता है, ये सब आज हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट होंगे, उनसे हम बात भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे. तो लिहाजा आज नमूनिया से आगाही का आलमी दिन है तो वो तमाम माएँ और जो तमाम हजरात थोड़ी सी अवेयरनेस चाहते हैं वो हमारा शो ज़रूर देखें क्योंकि डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताने वाले हैं. जनाब इसके अलावा नमूनिया की तो हमने बात की, लेकिन हम अपनी आईसाइट की भी अगर बात करें तो आईसाइट हमारी जो होती है बिनाई, जिसको हम कहते हैं कि बहुत अब रेशो जो है वीक जो है होना शुरू हो गई है ऑन एंड ऑफ, नज़र की कमज़ोरी एक आम सी बात हो चुकी है और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. नज़र कमज़ोर नज़र के इलाज के लिए कुछ कुदरती तरीके भी बताए जाते हैं और अगर आपकी जो नज़र कमज़ोर है तो आप इन तरीकों से थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं. आज मैं ज़रा थोड़ा टोटके बताने के मूड में हूँ. अच्छा जनाब आंखों की वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है. वर्जिश के लिए आपने मुख्तलिफ सिमतों में देखना जो है वो आंखों की एक्सरसाइज होती है. आप पहले ऊपर देखें और नीचे की जानब देखें, उसके बाद आप लेफ्ट देखें और राइट देखें. 5-5 बार अगर आप ये प्रोसीजर करवाएंगे तो इससे आपकी आंखों की जो एक्सरसाइज होगी. और उसके अलावा इसमें यह होता है कि आपकी वर्जिश जब आप आंखों को तिरछा करते हैं तो जो एक एंगल प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं. लेकिन ये कंसिस्टेंसी जो होनी है वो बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि आपने एक दफ़ा किया और आप बैठ गए. आंखों की वर्जिश आपको दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए. आंखों का मसाज जो है वो बेहतरीन वर्जिश है. आपने अपनी आंखों की जो आँखें हैं उनको हथेलियों की मदद से आप उनको मसाज करें और इसके साथ अपनी नज़र को बेहतर बना सकते हैं. आंखों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है. तो लिहाजा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. और रात को सोने से पहले और सुबह उठकर आंखों को अंदर की जाने वाले किनारों का मसाज ज़रूर करें, जिन्हें हम नोज़ के बिल्कुल साथ आप समझते हैं. इन जगहों को 1 से 2 मिनट तक दबाएँगे और एक अगर आप ताल लें उसको गर्म पानी में और दूसरे को ठंडे पानी में भिगो दें. आप गर्म जो टाल है उसको इस तरीके से रखें कि आंखें भी हल्की से टगोर हो जाएं और इसके बाद आप ठंडे पानी के बाद इसको उसे राब भी कर सकते हैं. जनाब ये आंखों की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं. और आईसाइट डेफिनेटली बहुत सारी वजूहात हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ कि आपकी आईसाइट जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. समटाइम्स आप बच्चों में भी बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ी है तो उसके लिए ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं. इवन देसी चीज़ों में कहा जाता है बादाम और सौंफ का जो इस्तेमाल है वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है और उससे भी आपकी आईसाइट, गाजरे जो है, मछली है, ये सारी चीज़ें ये आपकी आईसाइट के लिए बहुत बेहतरीन होती है. तो ये जिन बच्चों को या जिन फैमिली में इशू है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरेट जूस जिसको कहा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. निमोनिया के हवाले से हम अवेयरनेस देने वाले कि निमोनिया बेसिकली होता क्या है, इसमें लोगों को किस तरह के अवेयरनेस की ज़रूरत है, सिम्टम्स क्या हैं, इलाज क्या है, इस सब पे आज हम बात करेंगे. और इस पर हम डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नूरुल आरफीन जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इनको हम वेलकम करेंगे. वेलकम टू शो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम निमोनिया की बात करें. आज आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, निमोनिया है क्या बेसिकली? निमोनिया जो है ये फेफड़ों की इन्फेक्शन को कहते हैं. इसमें फेफड़े जो हमारे सांस लेने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर किसी जगह के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए और इन्फेक्शन का पैच आ जाए उसके ऊपर तो उसको हम जो है वो निमोनिया कहते हैं.
और निमोनिया जो है वो दुनिया में बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में और इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह हमारे हैं, इन सब में जो उनसा है वो एक जानलेवा हद तक जो उनसा है वो ये जा सकता है। और एक्सट्रीम एज बच्चों में और 65 प्लस जो उनसे ये एज है, जो दोनों तरफ की एक्सट्रीम एजेस हैं, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जो उनसे है वो कॉमन होता है, कॉमन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या है बेसिकली, अगर बच्चों में बात की जाए बड़ों में बात की, सिम्टम्स क्या है और किस तरह से ये फैलता है या वायरल है, क्या है इस हवाले से? मैं इसमें थोड़ा सा ना इसको चीज़ों को थोड़ा सा आसान तरीके के साथ जो है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे लोग सुन रहे हैं इस वजह, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी बात ऐसी जो है वो की जाए कि जिसका लाजमी इसमें सिम्टम्स जो है वो बुखार, खांसी, सीने की दर्द, बलगम का आना, सांस की जो है वो ख़राब होना, सांस उखड़ना, ये सब इसकी अलामत है। लेकिन ये जितनी मैंने अलामत बताई हैं ये और बीमारियों में भी हो सकती है। तो ये नहीं कि जिसको ये बीमारी ये जो हैं वो अलामत आनी शुरू हो जाए तो उसको लाजमी निमोनिया जो सा वो हो गया। निमोनिया के लिए लाजमी है कि आपके एक्सरे के ऊपर अगर आप सीने अगर आपको ये अलामत आएँ, आप अपने मुतलका डॉक्टर के पास जो है वो जाएँ और वो डॉक्टर आपका एक्सरे करे, और एक्सरे के अंदर जो है वो आपके फेफड़े के ऊपर कोई दाग या पैच जो है वो नज़र आए, तो तब हम उसको निमोनिया जो है वो कहते हैं। अगर दाग वगैरह नहीं आता, जो सिंपल आम जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है, गले की इन्फेक्शन हो सकती है, सांस की ऊपर के हिस्से की जो है वो इन्फेक्शन हो सकती है, नज़ला हो सकता है, नाक की इन्फेक्शन हो सकती है, तो निमोनिया को निमोनिया की लाइन पे जो है वो रखना और फिर आगे लेके चलना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जिस कम्यूनिटी में हम रहते हैं ओवर ट्रीट भी होता है, ओवर डायग्नोज भी होता है, और डर इस बात का लगता है कि मैं ओवर डायग्नोज या ओवर ट्रीट जो है वो कह दूँ और जो एक्चुअल निमोनिया हो वो अंडर ट्रीट होना शुरू हो जाए। निमोनिया के हवाले से अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं, हम चाहेंगे अगर आप कॉल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। डॉक्टर साहब अभी आप ये जैसे नताशा जो थी वो बड़ा अच्छा जैसा मौसम के बारे में बता रही थी, और ये अब एक मुश्किल मौसम है सांस के मरीजों के लिए, ये एक मुश्किल मौसम है, जैसा ये बता रही थी कि स्मोग है, डस्टी एनवायरनमेंट है, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, और सेटलिंग नहीं है, ड्राई वेदर है, तो ये तमाम जो ये मौसम भी जो है वो सांस की बीमारियों में जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फिर वो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हर सांस की बीमारी जो हर खांसी, हर बुखार, हर नज़ला निमोनिया नहीं है, हर सीने की दर्द जो है वो निमोनिया नहीं है, इसको हमें डिफाइन करना जो है वो चाहिए। बहुत जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आप निमोनिया के सिम्टम्स हमें बता रहे थे कि ये दूसरी बीमारियों से भी जन्म करते हैं, बच्चों में इसकी रेशो क्या है, बड़ों में इसकी रेशो क्या है और फैलने का जो इसका अमल है वो किस तरह से है? इसमें देखें ये कोई हमारे पास जो थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास कोई लोकल डाटा नहीं है, सही। लेकिन मैं आपको डेवलप्ड कंट्रीज का जो है वो डाटा बता रहा हूँ कि 8 से 10 मरीज पर 1000 पेशेंट जो है वो निमोनिया के होते हैं, और हमारे यहाँ पे डेफिनेटली उसकी रेशो जो सी है वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है यहाँ पे। और निमोनिया की जो है वो हमने पहले जिस तरह उसकी डेफिनेशन जो सी है वो कर ली, अब इसको जो है वो इसकी हम इसके इसकी जो जो जरासीम है जिनके साथ होता है, तो ये मुख्तलिफ जरासीम के साथ हो सकता है, बैक्टीरिया के साथ भी हो सकता है, वायरसेस के साथ भी हो सकता है, फंगस जिसको काई कहते हैं उसके साथ भी हो सकता है, पैरासाइट्स के साथ भी जो सा वो हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में वायरल निमोनिया भी हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन रहा है, और वायरल निमोनिया खतरनाक निमोनिया है, ख़तरनाक निमोनिया है, जानलेवा निमोनिया जो है वो। इसमें क्या ऐसी चीज़ है? वायरल निमोनिया एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चूँकि लेमैन टर्म है तो मैं इसको इसलिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। हमने बड़ा कॉमन जो है वो पिछले सालों में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के बारे में जो है वो सुना है, ये रिमेंबर अगेन, ठीक है, ये टर्म नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है। तो हमारे यहाँ पे पिछले 8-10 सालों में इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मरीज आए हैं, और दोनों फेफड़े इनके अंदर जिसको हम आम जुबान में डबल निमोनिया भी जो है वो कह देते हैं, तो वो डबल निमोनिया के साथ ये मरीज आते हैं, सांस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और एक्सटेंसिव जो है वो डैमेज होता है लंग के ऊपर, और ये आमतौर पर जो है वो जानलेवा जो है वो साबित होता है, बट अगेन प्रिवेंटेबल है, इसकी प्रिवेंटल वैक्सीनेशन वगैरह मौजूद है। जब हम अच्छा, बच्चों को करवाया जाता है वैक्सीन जो है, तो क्या ये प्रिवेंटेबल फॉर द लॉन्ग रन होती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब इसमें जो देखें किसी भी डिजीज को, बेशक वो निमोनिया है या कोई और है, एक बेसिक प्रिंसिपल है मेडिकल साइंस का, और वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
आपकी हिफाजत जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो से हैं वो इसमें अडॉप्ट करने होते हैं, और निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन जो से हैं वो अवेलेबल हैं, जो आम तौर पे जो मोस्ट कॉमन जरासीम है उनको कवर कर लेती है, सारे जरासीमों को कवर नहीं करती। तो 2 साल से कम जो बच्चे हैं और या 65 साल से ज़्यादा जिनकी जो है वो उम्र है, तो उनको अपनी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए। निमोनिया की वैक्सीनेशन अब लाइफ टाइम भी जो है वो अवेलेबल है, और 1 in 5 years भी अवेलेबल है। और इसी तरह जो फ्लू की वैक्सीनेशन है वो 1 a year हर एक के लिए रिकमेंडेड है। जिस तरह हम जिस जगह रह रहे हैं, जिन लोगों को जो है वो सांस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किडनीज़ की या कोई और उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो जिस्म में कम है, तो उनको हर साल ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और यहाँ पे चूँकि लोग सुन रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बड़ी वाजिया जो है वो कर दूँ कि फ्लू वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है ये उसके अगेंस्ट है। हम आमतौर पर फ्लू को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ले लेते हैं, और फिर जब हम उसकी वैक्सीनेशन करवा देते हैं और हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है, तो हम समझते हैं कि ये इनफेक्टिव वैक्सीनेशन है। हाँ। और हमने बेवजह वैक्सीनेशन कराई है। ये जो वैक्सीनेशन होती हैं ये आमतौर पर उन निमोनियाज के अगेंस्ट होती है जो मैंने पहले आपको बताया कि जो हम आम उर्फ आम के अंदर जिनको जो है वो निमोनिया ले लेते हैं, जो कि आम सादी जो सी हैं वो इन्फेक्शन होती हैं, तो हमें वैक्सीनेशन वगैरह उनकी करनी चाहिए उस साइड। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनमें रिस्क कितना बढ़ जाता है अगर निमोनिया खुदा ना खास्ता हो जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ हमें क्यों तंग करती है, ब्लड प्रेशर क्यों तंग करता है, हार्ट डिजीज क्यों तंग करती हैं, किडनी डिजीज क्यों तंग करती है। जब भी कोई पुरानी बीमारी होती है, लंबे अरसे से चलती हुई आ रही होती है, जिसको अपनी ज़ुबान में हम क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो कहते हैं या क्रॉनिक डिजीज जो है वो कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होती है। जब हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो ये एक सिंगल मोस्ट रीज़न है जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को, वायरसेस को या किसी ऑफेंडिंग एजेंट को टाइम मिल जाता है या उसको चांस मिल जाता है, ठीक है, कि वो हमारी बॉडी को हिट कर सके। तो इसलिए ये लोग जितने भी होते हैं, इनमें हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो सप्रेस होती है। कोई भी अनफॉर्चुनेट जो है वो शख्स हो सकता है जिसको लंबी बीमारी चलती है, इम्यूनिटी कम होती है, और ऑफेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो अटैक कर सकते हैं और वो ज़्यादा आसानी से इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जो पेशेंट्स हैं, अगर ये मिडिल एज में भी हैं या लेट एजेस के अंदर भी हैं, तो इनकी वैक्सीनेशन तो हमेशा बहुत जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई 65 प्लस है और अगर उसको इतनी क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं है, तो वो एज रिलेटेड जो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और बच्चे जो 2 साल से छोटे होते हैं, जो भी अभी जो है माँ के दूध के ऊपर होते हैं, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। कॉलर है जी मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मोहसिन, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो से हेल्थ डिपार्टमेंट है जो से पोलियो के वैक्सीन करते हैं, जी जी, वो ये निमोनिया के इंजेक्शन लगाते हैं? जी ये अवेलेबल हैं उनके पास, लेकिन आप उनसे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं महकमा सेहत से। अच्छा डॉक्टर साहब, निमोनिया के हवाले से, वेनस के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? अगेन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बेसिक प्रिंसिपल, न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपनी जो है वो इम्प्रूव करें। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई जोनसी है वो आपके साथ बीमारियां हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं, उसमें मैं आपको कोई ब्लेम नहीं करता। मैं किसी स्मोकर को जोनसा है वो एग्जेम्प्ट नहीं करता कि वो जोनसा है वो किसी और चीज़ को ब्लेम करे। मैं किसी अल्कोहलिक को या इस तरह की जोनसी है नारकोटिक यूज़र को जोनसा है वो ब्लेम नहीं कर, वो किसी उनको कोई हक नहीं कि वो किसी और को ब्लेम करे, सवाए इसके कि वो जो खुद अपने सवाए इसके कि वो जोनसा है वो खुद है, ठीक है। तो इम्प्रूव योर हेल्थ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, निमोनिया के हवाले से आपको अवेयरनेस दी और आपको उसके एहतियाती तदाबीर भी बताई, इसके जो सिम्टम्स है वो भी हमने डिस्कस किए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।